वेलकम स्टूडेंट्स, अराइज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। आज हम क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर नंबर वन नोइंग अवर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नोइंग अवर नंबर्स में बेसिकली जो हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। आप पहले पढ़ चुके होंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट जो हम बनाते हैं वो दो तरीके से बनाते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम में जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक और सीखेंगे इस बार हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। चलिए, तो जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें हम डिजिट्स को कैसे लेते हैं। पहले हमारा वंस आता है, फिर टेंस आता है, हंड्रेड्स आता है, उसके बाद थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, फिर लैख, टेन लैख, फिर करोड़, टेन करोड़, ऐसे हमारे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि अगर हम इस नंबर की बात करें, दिस इज 1 2 3 5 7 8 9 6 4। तो ये जो पहला डिजिट है दिस इज वंस, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक्स, टेन लैक्स, करोड़ और टेन करोड़। नाउ इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इन नंबर्स के लिए इनमें कॉमा प्लेस करते हैं। तो जैसे जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमारा यहाँ पहला ब्लॉक जो होता है वो तीन का होता है, हंड्रेड, टेंस और वंस। उसके बाद दो दो के ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख और करोड़, टेन करोड़। तो पहला कॉमा हम हमेशा वंस की साइड से शुरू करते हैं और पहला कॉमा जो प्लेस करते हैं वो तीन डिजिट के बाद, वंस की तरफ से तीन डिजिट के बाद प्लेस करते हैं, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद, इसी तरीके से हम कॉमा प्लेस करते हैं। जब नंबर नेम लिखते हैं, नंबर नेम लिखना आप लोगों को आता होगा पहले से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नंबर नेम जब हम लिखते हैं तो इसी जैसे हमने कॉमा प्लेस किए हैं इसी के अकॉर्डिंग हम नंबर नेम लिखते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में ये तीन एक साथ आते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड, उसके बाद दो दो एक साथ आते हैं, दो दो को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे ये करोड़ वाला है तो वन और टू को अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो गया आपका 12 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ और करोड़, जिनमें 10 आता है उसको एक साथ पढ़ते हैं, तो वन और टू हो गया आपका 12 करोड़। फिर 10 लाख और लाख इनको एक साथ पढ़ेंगे, ये पूरा ब्लॉक एक साथ पढ़ा जाएगा, 35 लाख, 78,000 एंड 964 को एक साथ पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली हमने इन दोनों को एक साथ पढ़ा, करोड़ और 10 करोड़ को, तो 12 करोड़ हो गया, और 10 लाख और लाख को एक साथ पढ़ा तो ये 35 लाख हो गया, 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ा तो ये 78,000 हो गया, और 100, 10 और 1 इन तीनों को एक साथ पढ़ा तो ये हो गया 964। अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म की, जैसे ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारा नंबर है 734543, तो ये आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख तक आ गया, तो 734। देखो कॉमा प्लेस किया गया है पहला तीन के बाद, फिर दो के बाद, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम है तो पहला तीन के बाद, फिर हर एक दो टू टू डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस किया जाता है। तो यहाँ देखो 7 है तो ये लैक्स पे आ रहा है, तो 734543, 734543। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये इसमें 3 2 2, पहला तीन के बाद कॉमा, फिर दो के बाद, फिर आगे है नहीं नंबर तो इसलिए आगे नहीं लगाएंगे कॉमा, तो ये 32 एक साथ पढ़ा जाएगा, ये लैक ब्लॉक में आते हैं तो 32 लैक्स हो गए एंड 75,829, तो ये हो जाएगा 32,75,829। इनका एक्सपेंडेड फॉर्म भी दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है एक्सपेंडेड फॉर्म। जिस प्लेस पर जो डिजिट है उसके बाद जितने डिजिट्स बचते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, या उस प्लेस की जो वैल्यू है वो लगा देते हैं। जैसे कि 3 है, 3 आपका 10 लाख पर है, तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, 10 लाख में आपके ये 10 लाख लिख देते हैं, 3 × 10 लाख। 2 आपका लाख पर है तो 2 × 1 लाख, 7 आपका 10,000 पर है तो 7 × 10,000, 5 आपका 1000 पर है तो 5 × 1000, 8 आपका 100 पर है तो 8 × 100, और 2 आपका 10 पर तो 2 × 10, और 9 आपका 1 पर तो 9 × 1, और इन सब के बीच में प्लस का साइन आएगा। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके लिए दूसरा एक बहुत आसान तरीका और मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, तो आप क्या करना है, 3 को लेंगे और 3 के बाद जितने भी डिजिट बचते हैं आपके
उतने जीरो लगा देंगे वन के आगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट बच रहे हैं 3 के बाद, तो 3 × 1 और 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट लगा देंगे। ऐसे 2 के बाद कितने डिजिट्स बचते हैं आपके, 1 2 3 4 5, तो 2 × 1 के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हो जाएंगे। ऐसे 7 के बाद 4 डिजिट्स बचते हैं, तो 7 × 1 2 3 4 4 डिजिट्स के साथ 1 आ जाएगा, और 8 के बाद 2 डिजिट्स बचते हैं, तो 8 × 1 और उसके बाद 2 जीरो आ जाएंगे, और 2 के बाद सिर्फ 1 बचता है, तो 2 × 10 आ जाएगा, और 9 के बाद 9 × 1। देखिए ये जो नंबर जिसका हमने नंबर नेम लिखा था अभी 1 2 3 5 7 8 9 64, इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करके दिखाया है आपको, एक्सपेंशन या एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको। 1 है तो 1 आपका ये 1s 10s 100s 10000 lakh 10 lakh crore 10 crore 10 करोड़ पर है, तो 1 × 10 crore, 2 × 1 crore, फिर 3 × 10 lakh, 5 × 1 lakh, 7 × 10,000, 8 × 1,000, 9 × 100, 6 × 10 और 4 × 1, और इन सब के बीच में प्लस का साइन आएगा। क्लियर, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, डिजिट्स हमारे स्टार्टिंग करते हैं हम तो 1s 10s और 100s तक सेम रहते हैं, उसके बाद 1000 10000। अब इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद यहाँ पर लैक आता था, लेकिन इसमें लैक नहीं आता, इसमें 1000 10000 फिर 100000, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 के ब्लॉक चलते हैं। जैसे आपने इंडियन नंबर सिस्टम में देखा था पहला ब्लॉक 3 का था, फिर 1000 10000 का 2 का ब्लॉक, फिर लैख 10 लैख का 2 का ब्लॉक, और करोड़ 10 करोड़ का 2 का ब्लॉक। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 3-3 के ब्लॉक चलते हैं, 1s 10s 100, उसके बाद 1000 10000 और 100000, फिर मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये मान लो ये वही नंबर है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसकी अगर हम प्लेसेस देखें तो 4 से 4 जो है 1s 10s 100 1000 10000 फिर 100000, फिर मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। क्लियर। अब कॉमा जो प्लेस करने हैं वहां पर 2-2 के ब्लॉक थे, तो पहला 3 के बाद 2-2 के बाद हम कॉमा लगाते थे, लेकिन यहाँ 3-3 के ब्लॉक हैं, तो यहाँ सारे कॉमा जो लगेंगे वो 3-3 के बाद लगेंगे। तो 1 2 3 3 के बाद एक कॉमा आ जाएगा, फिर 1 2 3 फिर 3 के बाद, फिर 1 2 3 3 के बाद आ जाएगा, यानी कि 1s 10s 100 एक ब्लॉक हो गया, उसके बाद 1000 10000 100000 दूसरा ब्लॉक, और मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन ये तीसरा ब्लॉक हो गया। और इसके नंबर नेम की हम बात करें तो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग मिलियन वाले सारे एक साथ पड़े जाएंगे, तो 123 मिलियन हो गया, 123 मिलियन, फिर 578,000 वाले एक साथ पड़े जाएंगे, 578,000, और उसके बाद 100 10s और 1 से एक साथ पड़े जाएंगे, 964 964। अगेन देखते हैं मिलियन वाले एक साथ पड़े जाएंगे, ये तो ये हो गया 123 मिलियन, 578,964। एक्सपेंडेड फॉर्म सेम उसी तरीके से होगा, 1 × 100 मिलियन, 2 × 10 मिलियन, 3 × मिलियन, 5 × 100,000, 7 × 10,000, 8 × 1,000 एंड 9 × 100, 6 × 10 एंड 4 × 1। अगर हम कंपेरिजन देखें दोनों में एक साथ, तो दिस इज योर इंडियन नंबर सिस्टम, 1s 10s 100 पहला 3 का ब्लॉक, उसके बाद फिर 1000 और 10000 2 का ब्लॉक, फिर लैक एंड 10 लैक, फिर 2 का ब्लॉक, फिर करोड़ और 10 करोड़, 2 का ब्लॉक। इसीलिए इसमें जो कॉमा लगते हैं पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 1s 1s 10s 100 1000 10000 100000, तो ये भी 3 का ब्लॉक है, पहला भी 3 का ब्लॉक, दूसरा भी 3 का ब्लॉक, उसके बाद फिर मिलियन आता है, मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर ये भी 3 का ब्लॉक। इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, तो आएगा बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, लेकिन आपको अभी मिलियन तक ही पढ़ना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये सारा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये एक्सरसाइज 1.1 है हमारी, इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं बताना है फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे पहला है हमारा 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो 1 लाख मतलब 1s, 10s, 100s, 10,000, 10,000 लाख, ये आपका 1 लाख होता है, 10,000, 1s, 10s, 100,000 और 10,000, तो ये 10,000 हो गया हमारा। देखेंगे हम 1 लाख में 5 जीरो होते हैं और 10 लाख में 10,000 में 4 जीरो होते हैं। तो यानी कि हमें अगर दोनों को इक्वल करना है तो जीरो नंबर ऑफ जीरो बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। तो इसको इसके बराबर करने के लिए हमें 1 जीरो की और रिक्वायरमेंट होगी, और 1 जीरो की और रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जीरो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10,000। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है कि आप 1 लाख है उसमें आपको निकालना है कि कितने 10,000 है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप देखें किसका मल्टीप्लाई करके ये आता है, यानी कि 5 जीरो यहाँ पर है, 4 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो और चाहिए, तो 1 जीरो आपका 10 का मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि 1 लाख है, मैं आपको 10,000 बताने हैं, तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए 1 लाख को, तो 1, 2, 3, 4 4 जीरो जो है वो इसमें से कम हो जाएंगे तो आपका 10 बचेगा। तो ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, आप इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 जीरो हैं, तो इसमें से आप 4 जीरो रिमूव कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 आपका आंसर बचा 10, तो आपके हो गए 10,000। क्लियर, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से 1 मिलियन, दिस इज 1s, 10s, 100s, 10,000 लाख, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, दिस इज 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में आप देख रहे हैं 6 जीरोज हैं, और यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 5, तो हम ये 5 जीरोज इसमें से रिमूव कर देंगे, बचेगा 1 जीरो, यानी कि 10 बचेगा आंसर। तो बेसिकली 1 मिलियन में कितने 10,000 होंगे, ये आपका 100,000 है, 100,000 फाइव जीरोज हैं, और ये 5 जीरोज इसमें से हटा देंगे तो 10 बचेगा, तो 10,000 हो जाएंगे। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 1 करोड़ में 10 लाख हैं, तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, तो 1 करोड़ आप लेंगे, 1 करोड़ में आपके 3 and 3, 6, 7 जीरोज हैं, और 10 लाख में आपके 3, 3, 6 जीरोज हैं, तो 6 जीरो इसमें से हटा देंगे, तो 7 में से हम 6 जीरोज हटा देंगे तो हमारे बचेगा 10, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 10 लाख होंगे। 1 करोड़ है, ये मिलियन है, मिलियन में आपके 6 जीरोज होते हैं और करोड़ में आपके 7 जीरोज होते हैं, तो ये 6 जीरोज हम इसमें से हटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। तो इसका मतलब 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे। ऐसे 1 मिलियन में कितने लैक्स होंगे, 1 मिलियन में आपके 6 जीरोज होते हैं और लैक में आपके 5 जीरोज होते हैं, तो 5 जीरोज इसमें से रिमूव कर देंगे हम, ये 5 जीरोज रिमूव हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 10 लाख। तो ऑब्वियसली इन सबका आंसर 10, 10, 10, 10 आएगा। तो आपने देखा इन सभी का आंसर 10, 10, 10, 10, 10 है। अब आगे के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।